झारखंड के दुमका में इन दिनों मिड डे मील बनाने वाली रसोईया और संयोजिका बहनें खाने के एक एक दाने को तरस रही हैं। पिछले कई महीनों से मानदेय न मिलने से इनकी परेशानी काफी बढ़ गई है। मानदेय न मिलने के चलते इनकी गृहस्थी चौपट हो गई है। आज रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना रखा गया था। यहाँ जो झारखंड की जो शिक्षा सचिव है आराधना पटनायक जी, या पूरे राज्य में जो रसोईया है ये 2005 से ही काम कर रही है, लेकिन आज तक सरकार न इसको स्थायीकरण कर रहा है, न इसको नियमित मानदेय भी दिया जा रहा है। उल्टे इन लोग को स्कूल से हटाया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज एक दिवसीय धरना दिया गया है। और इस तमाम मामला को लेकर राज्य स्तरीय प्रोग्राम हम लोग 4 सितंबर को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय महाधरना देंगे और तमाम सवालों को लेकर हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे। आपको बता दें कि 2005 से रसोइयों और संयोजिकाओं को संविदा पर रखा गया था, लेकिन स्थायी पद पर रखना तो दूर, इनका मानदेय भी सरकार ने नहीं दिया। दुमका से वीरेंद्र झा, पंजाब केसरी टीवी।